फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे, तो आज फिर मैं हाजिर हूँ एक नई रेमेडी के साथ। और बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ होती हैं, जैसे कि मैंने बहुत से अपने वीडियो में स्किन के बारे में जो है बहुत सी रेमेडी आपसे शेयर की है, और उम्मीद करती हूँ कि उन सब के रिज़ल्ट जो है आपको बहुत ही अच्छे मिले होंगे, क्योंकि मेरी रेमेडी जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं मेरे रेमेडी के, जो कि इफ़ेक्टिव भी होती है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। तो जितने भी हम स्किन की केयर कर लेना उतने ही कम है। तो आज भी मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप अपने जो है फेस को किस तरह से आप अपने फेस की केयर कर सकते हैं और एक जो है चमक ला सकते हैं अपने फेस पे, इंस्टेंट किस्म की जो चमक होती है और जो एक जैसे होते हैं ना फ्रेशनेस सी आ जाती है चेहरे पे और ग्लोइंग, तो वो आपके जो है ना फेस को ये रेमेडी जो है वो देगी। सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही मतलब कि इफ़ेक्टिव होती हैं, घरेलू जो चीज़ें होती हैं, नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। तो बजाय जो है केमिकल्स क्रीमों के यूज़ करने के, तो आप होम रेमेडी यूज़ किया करें। तो आप चलते हैं रेमेडी की तरफ। जस्ट आपने सिर्फ क्या करना है कि दो चीज़ें लेनी है जो हमारे किचन में भी अवेलेबल होती हैं। ये हमने इसमें 2 टीस्पून दही लेनी है, यह छोटा स्पून है तो इसलिए मैंने इसमें 2 ऐड किए हैं चम्मच। तो और आप जो है 1 चम्मच भी ऐड कर सकते हैं अपने फेस के मुताबिक, जितने मतलब क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। और इसके अंदर हमने एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है जी राइस फ्लोर। राइस फ्लोर को हमने भर के इसमें ऐड कर लेना है, ठीक है। तो राइस फ्लोर को हमने योगर्ट में मिक्स कर लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राइस फ्लोर जो है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये हमारे स्किन से जो डेड जो होता है ना डेड किस्म के वो हो जाते हैं हमारी स्किन पे, और जो हो जाते हैं पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं और डेड किस्म की स्किन हो जाती है, ब्लैकिश किस्म की हो जाती है, तो उसको ब्लैकिश को भी और डेडनेस को भी ये रिमूव करता है। और चावलों का आटा जो है हमारी स्किन को भी टाइट करता है, जिनकी ढीली डाली और झुड़ियाँ पड़ चुकी हैं उन झुड़ियों को भी ख़त्म करता है। तो ये बेस्ट रेमेडी है, तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वीक में आप इसे 2 या 3 मरतबा भी मतलब कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप चाहें तो उसको डेली भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी स्किन जो है वो ग्लो रहेगी इसके यूज़ करने से, डेली यूज़ करने से, और चमकदार किस्म की हो जाएगी, नीट एंड क्लीन हो जाएगी। तो अपनी स्किन का ख्याल रखिए, और आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिए एंड क्लीन हो जाएगी। तो अपनी स्किन का ख्याल रखिए, और आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और इसको हाँ, लगाने का तरीका ये है कि आपने इसको लगा देना है और 15 मिनट तक छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद क्या करना है, आपने वॉश कर लेना है सिंपली, और कोई मॉइस्चराइज क्रीम या लोशन लगा लेना है। बस ये मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।